सब परम धाम में आती होगी क्या? बाबा हाँ जी, जैसा कि हम लोग कहे दस करोड़ आत्माएं होती है, उनको वर्षा देने वाला कौन है? जैसा कि अंत में दस करोड़ आत्माएं होती है, उनको वर्षा देने वाला कौन होता है? किस बात का वर्षा? जीवन मुक्ति कैसा की बात मिलती है? जीवन मुक्ति, मुक्ति का वर्षा 500-700 करोड़ आत्माओं को कब मिलता है? द्वापर के अंत में, त्रेता के अंत में मिलता है या संगम युग में मिलता है? संगम युग में ही सब मनुष्य आत्माओं को नंबरदार को सात अनुसार वर्षा मिल जाता है, ऐसे नहीं द्वापर युग में वर्षा मिलता है। द्वापर युग से जो राजाइयां चली है वो राजाइयों का वर्षा दैनिक बाप से मिलता है। देर आदि मनुष्यों का बाप कोई तो होगा, वो प्रजापिता ही निमित्त बनता है। भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्मों में जो राजाइयां चली हैं, उन राजाओं को राजाई की स्थापना करके देने का निमित्त बनता है, और वो संस्कार भी किसे कहां भरे? संगठन में भरे। और एक ही को जन्म लेने का मतलब है ब्रॉड ड्रामा में कि शरीर छोड़ना, नया शरीर धारण करना, और संगम युग में क्या मतलब होता है? निश्चय अनिश्चय में आना या देहवान छोड़ना? देहवान अभी किसी का छूटा है क्या? देहवान तो किसी का नहीं छूटा, लेकिन देह में रहते हुए भी, देहवान में रहते हुए भी निश्चय अनिश्चय का चक्र तो चल ही रहा है। बाप के ऊपर निश्चय है, अपनी आत्मा के पार्ट के ऊपर निश्चय है, तो फिर और ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो फिर जो ब्रॉड ड्रामा में पूरे 84 जन्म लेते हैं वो 84 टाइम निश्चय अनिश्चय में आते हैं क्या? एक स्टेज होती है अनिश्चय और निश्चय की, 100% जब अनिश्चय हो जाता है तो बाप के प्रति जो श्रद्धा है वो खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं कि घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय 100% होता रहता है। दूसरा कारण होगा जब भी पूरा अनिश्चय हो जाता है तो वो आत्मा किसी और धर्म पिता के ऊपर निश्चय कर लेती है। जरूर कोई ना कोई उसको समझाने वाला होगा ना, जिसकी समझ उनकी बुद्धि में बैठ जाती है वो उसको फॉलो करने लग पड़ती है, उसके प्रति निश्चय बुद्धि हो जाती है। में बोला है कि पहले पिंड तैयार होता है, फिर 4-5 मास का पिंड तैयार होने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है। महीने का पिंड तैयार होने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। उसी तरह 69 से लेकर 76 का जो पीरियड है उसको 76 का, तो वो पीरियड पिंड का है, और 76 में उसने सुप्रीम सोल के पहले उसमें मन चिंतन मंथन नहीं होता है पिंड में? नहीं, ऐसा बोला है क्या कि 76 में उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है पिंड में। ऐसा
ऐसा नहीं है। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा किस वक्त? इस वक्त ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा। ऐसे नहीं है कि सन 1878 से लेकर 76 तक प्यो बाप प्रवेश ही नहीं करता। खाली रहता है नहीं, एक रथ जाता है और दूसरा रथ तैयार हो जाता है। संसार रूपी जंगल में तीन शेर प्रसिद्ध हो गए, उनकी यादगार है झंडा। अशोक की लाश संसार रूपी जंगल में ये ज्ञान की दहाड़ मारने वाले हैं। अपने अपने टाइम पर सन 8 तक ब्रह्मा के रूप में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर उस जंगल में एक शेर गया तो दूसरा शेर मौजूद हो जाता है। और वहीं से मनन चिंतन मंथन शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं मनन चिंतन मंथन सब कैसा से शुरू हुआ तो ये कहेंगे कि कैसर से पहले निर्जीव गर्भ पिंड था। निर्जीव गर्भ पिंड होगा तो मन चिंतन मंथन करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा। इसलिए दिखाया जाता है कि भागीरथ ने तपस्या की, गंगा तो ऊपर से आई लेकिन कहाँ अटक गई? शंकर की जटाओं में लिपट गई। संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई, जटाओं में। जटाओं में कोई ज्ञान होता है क्या? बुद्धि में ज्ञान होता है, वो बुद्धि में ही ज्ञान उमड़ता घुमड़ता रहता है, बाहर नहीं आता। शंकर भी बाहर है, वो सूक्ष्म ज्ञान गंगा की बात है। और आगे इस स्टेज में सारे विश्व की सेवा होती है। संकल्प इस स्टेज का मतलब है कोई संकल्प भी नहीं आता है। संकल्प का स्टेज का मतलब ये नहीं कुछ नहीं, दिल नहीं। दिल तो वो प्राणायाम करने वाले साधु संत महात्मा दिल में जाते हैं। प्राणायाम में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता क्योंकि उनको तो आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ही भान पता नहीं। और हमको तो अपनी आत्मा और परमात्मा बाप के असली स्वरूप का पता है। इसलिए हम निल में जाने वाले नहीं है, हम मनुष्य शक्ति के जो बीज है उस स्वरूप में टिकने वाले। तो जैसे कि उस बीज रूपी बाप के हम सहयोगी बन जाते हैं। बीज को पानी मिला तो जैसे सारे लक्ष्य को पानी मिल जाता है, स्वतः ही पानी मिलता है। एक एक जड़ को, एक एक पत्ते को, एक एक टहनी को स्नेह का जल देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए बोला संकल्पी स्टेज ऐसी स्टेज है और ऐसी बीज रूपी स्टेज है जिसमें एक एक व्यक्ति की अलग अलग सेवा करने की दरकार नहीं।
आने वाले जिनके का नंबर नहीं कर सकते हैं क्या? नवकर प्रजा में आने वाले इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। नवकर प्रजा में आने वाले, नवकर प्रजा में आने वाले आत्माएं अत्यंत सुख का अनुभव कर सकते हैं क्या? नहीं। सोलह हजार 108 के अलावा जो भी है वो प्रजा वर्ग में है या राज परिवार में? प्रजा वर्ग में। उन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल करने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया है, इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान में जो भी आत्माएं आ रही है ज्ञान में ज्ञान में जो भी आत्माएं आ रही है वो ज्यादा तो हिंदू धर्म से आ रही है। हिंदू धर्म से आ रही है ज्यादा संख्या। हिंदू धर्म मोस्टली मुस्लिम बौद्धिक क्रिश्चियन सिख के तो एक दो दिखाई पड़ते हैं। मुस्लिम बौद्धिक क्रिश्चियन सिख एक दो आत्माएं दिखाई पड़ती है, तो दूसरे धर्म के बीच कैसे हुई संख्या उनकी दिखाई पड़ने से क्या होता है? जो हिंदू है हिंदुओं में बहुत से ऐसे नहीं है जो गुण से तो हिंदू है लेकिन स्वभाव संस्कार से क्या बन गए हैं? पूरे विदेशी बन चुके हैं। ऐसे परिवार में कोई पैदा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? कोई कहेंगे जो है वो अंतिम जन्म में जाकर के अपने अपने जान में गिरेंगे। अपने आपके धर्म में गिरेंगे ना? आपके धर्म में होगा। और आपकी जन्म में से लास्ट जन्म में जिस धर्म में जाके गिरे आत्मा तो वो अपना हो गया, श्राद्ध जन्म अपना नहीं हुआ। कोई कोई बीज है जिनका त्रेसठ जन्म का छिलका चढ़ा हुआ है और कोई बीज है जिनमें सिर्फ एक दो जन्म का छिलका चढ़ा, तो अंतर नहीं होगा। अभी ये बात अर्ध में भी लागू हो चुकी है। क्या अर्ध में लागू हो चुकी है ये बात? अर्ध में क्या? अर्ध में मतलब अभी आश्चर्य में तीसरा आश्चर्य जो है तीसरा आश्चर्य में तीसरा आश्चर्य जो है तीसरा नंबर वो लौकिक जन्म पिछला धर्म में लिया गया। अरे आखिरी जन्म में तो गिरते हैं ना? आखिरी जन्म में जब गिरेंगे तो ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहाँ लोभ ही दिखाई पड़ते हो, लालच भरा हुआ हो, इतना लालच भरा हुआ हो कि अपने कन्याओं से भी कमाई कमा करा करके खा ले। नहीं तो भारतीय परंपराओं में कन्या को दान की चीज समझा जाता है, जो दान दिया जाता है उसको वापस नहीं दिया जाता। कन्या की कमाई खाना अच्छा नहीं मानते, लेकिन जो मुस्लिम धर्म से प्रभावित होंगे वो कन्या की भी कमाई खाने में कोई इसकी चाहत नहीं होगी। पृथ्वी चौहान ने सहयोगिता को पाने के लिए युद्ध किया है। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को पाने के लिए भयंकर युद्ध किया है। युद्ध किया है उसकी शूटिंग बेहद में कैसी होती है? अभी युद्ध नहीं हो रहा है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में युद्ध नहीं, जितने भी शास्त्रों में बड़े बड़े युद्ध गाये हुए हैं, चाहे महाभारत युद्ध हो, चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, उनके मूल कौन हुआ, मूल कारण कौन हुआ? कोई स्त्री, कोई महिला, उसका मूल कारण बनी। तो
चौपटी राज के वहां में दिखाया गया है वो भी ऐसे उसमें तो सहयोगी शक्ति का नाम ही सहयोगिता दे दिया है। चंग माने संपूर्ण योगिता माने योग लगाने वाली और आधा इसमें रुद्रमाला में आधा विजयमाल में है तो विजयमाला जो आने वाले है उसमें शुद्रों को शरीर छोड़ना पड़ेगा बाहुबल बोले है तो विजयमाला वाले हाँ जी कुछ लोग विजयमाला वाले कौन से वंश के होते हैं चंद्र वंश के होते हैं कोई दूसरे दंश के तो नहीं होते हैं नहीं सब धर्म के कैसे कौन सा प्रूफ है जो शहद की मक्खियाँ होंगी वो प्योरिटी वाली होंगी या कुछ इम्प्योरिटी वाली भी होंगी उनमें इम्प्योरिटी कहाँ से आई कौन से धर्म से आती है सबको थोड़ी कहानी आपसे देखा जाता है चंद्रवंशी नहीं होंगे जिनका लंबे समय का पुरुषार्थ एक बाप के सहयोग में नहीं होगा उनको गरीब होना पड़ेगा। अरे रुद्रमाला में कुछ ऐसे मणके हैं जो अपोजिशन करने वाले हैं या नहीं है, है? तो जो लंबे टाइम तक अपोजिशन करते हैं तो उनको दुनिया में उन उन धर्मों की स्थापना के लिए भटकना पड़ेगा या नहीं झूठ ही झूठ मेरे ही झूठ सच के रस्सी में नहीं बराबर इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कोई पॉइंट झूठ की दुनिया में सच का नहीं होता सच को भी झूठ बना देते हैं झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चबेना जो शिवालय है उसमें देवधर्म का चित्र को दिखाया गया हो देवधर्म का चित्र देवधर्म का नंगे चित्र दिखाए गए हो किसी किसी को पाँव में पैर में सांप लेते हुए दिखाया है पाँव में सांप घुस गया आजिम शू कंपनी का जो केस हुआ कलकत्ता में और जिसमें रविंद्र भाई को जेल में गए थे उसका कारण क्या हुआ था हमको पता नहीं झूठा मुकदमा लगाया गया था जो झूठा मुकदमा लगाया गया था उस समय जो गैंग था दुनियावी उसने किडनैपिंग किया आदम टू कंपनी के मुखिया का और पैसे ले लिए करोड़ों की तादाद लेकिन वो मौका देख करके उस खादिम चू कंपनी का कोई परिवार का व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता था मौका पाकर के उसके द्वारा ये बात भी बताई गई किस तरीके से ये व्यक्ति इस गैंग में शामिल था और उनको पकड़वा दिया गया तो कुछ भी नहीं इसको कहते हैं झूठ है झूठ मेरे ही झूठ सत्य की रस्सी नहीं और उस समय वो आए थे फरुखाबाद सेंटर में रविंद्र जी तो अखबारों में वहां ये भी छपा दिया गया तो उसमें पैसे का बंटवारा फरुखाबाद कंपनी के आश्रम में
बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की देख रेख में किया गया। बाबा महाकम में जो बरमुड़ा ट्राइंगल है उसमें तांत्रिक लोग जो है सिविल सोल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, सिविल सोल्स को इकट्ठा कर रहे हैं बहुत बड़े आत्मा उनको इकट्ठा क्या वहाँ तो पहले से ही इकट्ठी होती तांत्रिक लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तांत्रिक लोगों के कंट्रोल में कोई भी आत्मा है लेकिन बरमुड़ा ट्राइंगल में तो बापर उसे लेकर के अब तक जाने कितने कितनी अकाले मौत होती आई सारों का ही जजीरा इकट्ठा हुआ पड़ा। सारे तांत्रिक माने क्या जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं वो कौन सा संप्रदाय है? राम संप्रदाय है या रावण संप्रदाय? रावण संप्रदाय। तो सारे रावण संप्रदाय मिलकर के जो बेहद का बरमुड़ा ट्रायंगल है उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। सबका सेंट्रलाइजेशन वही होना चाहिए। और ब्रह्म सृष्टि की आत्माएं अति मेरे सुख का अनुभव नहीं करती करती है तो वह 16,100 में आती है। ये कैसे कह दिया कि वो अति मेरे सुख का अनुभव नहीं करती है? अपने शरीर में नहीं करती में प्रवेश करके इस शरीर में प्रवेश करती है और वो शरीरधारी अति मेरे सुख का अनुभव कर सकता है तो वो संपन्न भी आत्माएं जो उसमें बुद्धूपी क्षेत्र में इस समय प्रवेश करती है संगम इसमें और सत्युग में जाकर के भूत पेट से जन्म लेंगी वो बुद्धूपी क्षेत्र में प्रवेश करके ऐसे भी सुख का अनुभव नहीं कर सकती। और नौ मुख्य धर्म है जो परमात्मा बाप से नंबर वार प्राप्ति करते हैं। उनमें दो धर्म ऐसे हैं जो परमात्मा बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करने की लिस्ट में आ जाते सतयुग और त्रेता डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। बाकी जो सात धर्म हैं इस्लाम धर्म से लेकर के आर्य समाज तक उनके जो मुखिया है वो है सात नारायण। एक तो आठ की माला में 24 मण के हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बाकी कितने बचे हैं? वो सब स्वधर्मी है द्विधर्मी वो सारे द्विधर्मी मण के इसलिए बोली ने बोला देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय वो द्विधर्मी है विदेशी है इसलिए वो स्वदेशी और स्वधर्मियों का विरोध करने वाले हैं और विरोध करने का यही एक तरीका मुझे सबसे बढ़िया लगता है राम की सीता को चुरा लो बड़ा आसान तरीका है। तो 84 घंटों वाली देवी गाई हुई है वो देवी उन रावण संप्रदाय के चम्बे में आ जाती है। जो भी बाकी के आत्मा उनका क्या है?
आठ अंक तो आपके अलावा एक तो आप उपज पाने वाले हैं, एक तो आपके अलावा जो है वो प्रिंस प्रिंस का पद पालेंगे, राजा रानी नहीं बनेंगे। और मोर ध्वज की क्या कथा है? मोर ध्वज कहा जाता है, मुरली में आता है, क्या कथा है? उन्होंने अपने शरीर के मोटे मोटे कटवा दिए। पूरा पूरा अर्पण करना पड़े, तन रोगी हो, ईश्वरीय सेवा सामने हो तो तन की कोई परवाह न करे। ऐसा न हो कि हम थोड़ा आराम कर ले और ईश्वरीय सेवा में खामी आ जाए, दिल खाती रहे। ज्ञान दरा अर्पण करेंगी, खुद धारण नहीं करेंगी, खूब स्थूल धन अर्पण करेंगी, लेकिन ईश्वरीय सेवा में धन अर्पण करके भी खुद उससे लाभ नहीं लेंगी, अपना जीवन नहीं बनाएंगे। जैसे कोई ने सेंटर दे दिया बना करके या बड़ा हाल बना करके दे दिया, लेकिन खुद पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे या साहूकार प्रजा बनेंगे? साहूकार प्रजा बनेंगे। 16108 में आने से अच्छा है, अच्छा कुछ आपने का जाना। 16108 माने जो सिर्फ इसी कार्य के लिए समर्पण होते हैं, जीवन में और कोई कार्य नहीं करते। अनुमन धन का तेरा ऐसे जो अर्पण में होने वाले हैं, कोई दो दिन के लिए होते हैं, तीसरे दिन जन्मला जाते, लेकिन अर्पण तो हुए तो वो भी 16000 की लिस्ट में आ जाते। कोई के माँ बाप ने अर्पण कर दिया, खुद ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा तो अर्पण होकर के अंदर रहे बाप के बने, लेकिन आगे चल करके जब बालिक होते हैं तो छोड़ के चले जाते, बुद्धि में ज्ञान बैठा नहीं, तो वो भी 16000 की जिस में आ जाती। कोई ऐसे होते हैं सरेंडर हुए हैं कागज पर, लेकिन मन बुद्धि बाहर की दुनिया में ही दौड़ती रहती है, अंदर का वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे, एक दूसरे से लगाव झुकाव में जैसे रहेंगे, क्या पद पावेंगे? नाम मात्र के लिए अंतिम एक दो जन्मों में प्रिंस प्रिंसेस तो बन जा रही, बाकी जन्म दास दासी बनते रहेंगे। हो सकता है प्रजा में लड़ करके प्रजा के दास दासी बने, कोई गीता पाठ करा वाले पूरा ही तन मन धन पर आ रहा ही अर्पण करके चल रहे, कोई लौकिक धंधा भी नहीं करते हैं, ईश्वरीय सेवा में ही सारा तन मन धन लगा रहे हैं, पूरा कोटा लेन भी बाबा के पास पहुंचा रहे हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक के लिए कीमत लेते हैं, कनेक्शन जोड़े हुए हैं, तो वो सरेंडर की लिस्ट में कहे जावेंगे या नहीं कहे जावेंगे? कहे जावेंगे। ऐसे सरेंडर होने वाले बहुत सेवा का धारी होंगे तो वो भी राजाओं की लिस्ट में आ सकते हैं।
हुए भी अगर सारा ही सूर्य सेवा में जाता है, तन का मतलब है अपना तन भी और बीवी बाल बच्चों का भी तन भी जो उनके अंदर में सारा ही सूर्य सेवा में जाता है तो तन से पूरे अर्पण और धन भी सारा ही सूर्य सेवा में जाता है तो धन भी पूरा अर्पण में हुआ। तो जहाँ हमारा तन होगा जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। मन ऑटोमेटिक ईश्वरीय याद में लगा रहेगा क्योंकि ईश्वर बाप ऐसे सत्य उन बच्चों को याद करते हैं जो पूरे अर्पण में होते हैं। पूरा अर्पण में तो दर्पण पावरफुल बन जाएगा। दर्पण माने ज्ञान का दर्पण, मन रूपी दर्पण, दिल रूपी दर्पण। सच्चा साफ होने के कारण जरूर उस पद पा गए। कॉम्प्लेट बनाए गए लिटरेचर जो है कॉम्प्लेट ना लिटरेचर जो कॉम्प्लेट है कॉम्प्लेट छपाए कॉम्प्लेट दिए थे विराज सर भाई ने। विराज सर भाई ने कॉम्प्लेट दिए थे तो वो बांटे गए रात्र में 10,000 छपाए थे। 10,000 छपाए थे उसमें से बहुत सारे बांटे गए घर घर जाकर के सब दिया गया। बताना चाहते ऐसी सेवा हुई है ये ठीक है देखा हो रहा है बताओ ना देखा है लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने कितने बच्चे बांटे होंगे सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में या करोड़ों की तादाद में या अरब की तादाद में बच्चे बटे होंगे। बच्चे बांटना अलग बात और बच्चों का रिजल्ट जो है वो पहुंचे बाबा के पास कि हम ये पर्चा पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे तो कहेंगे 12 साल निकला आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पहले प्रतिष्ठ होना चाहिए ना बाबा है ना ये दुनिया में प्रतिष्ठ होना चाहिए ना। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय उसमें एड्रेस तो है ना परंतु लोगों को पता नहीं है जब लिखा हुआ है तो पता नहीं है तो बुद्धू है ना पढ़ने वाले बांटेंगे तभी तो पता पड़ेगा ना। बांटेंगे तभी पता पड़ेगा पता पड़ेगा ये भगवान ईश्वर का कुछ कार्य चल रहा है। बांटेंगे और बांटने के बाद जो लेने वाले हैं वो पढ़ेंगे लोगों को आदमी के लिए मालूम है कि प्रोजेक्ट से ब्रह्मा कुमारी का ही है ये अलग नाम से ये मालूम नहीं बहुत सारे लोगों को पढ़ते समय ढेर सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी का तो हमें पता है ये अलग का कोई है क्या ये तो ब्रह्मा कुमारी का ही दिख रहा है ऐसा वो बोल रहे हैं कि विद्यालय में भी अभी तक पता नहीं चला लोगों को आदमी पता नहीं है जानकारी के लिए छपा बाहर की पब्लिक वो तो यही समझेगी ना सरसोपंच में पड़ेगी ना लेकिन हमारा ज्ञान तो पहले किसको देने के लिए घर में आग लगी हुई हो और हम बाहर की दुनिया में पानी डालना चले जाएं तो ये होशियारी हो रही है अंदर वाले जो है वो टुकड़ा रहे उनको दिया जा रहा है कोई लेते हैं कोई नहीं लेते उनके घरों में भी दिया है डोर टू डोर फ्रीजी उनको भी दिया है उनको हम दे रहे हैं अपने तरीके से
वो जो जो लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं और कोई कोई उसको मना भी करता है, ले रहे हैं ना, ले रहे हैं पढ़ते भी हूँ। अब संदेश मिल गया, जितना संदेश मिला है हो सकता है जब आवाज निकलेगी तो उनको याद आएगा कि हमको ये संदेश मिला था और हमने इसने अंतर देखा था, ये ब्रह्मा कुमारियों का है या कोई दूसरे लोग है। इतना बुद्धि में बैठा अभी तो जनरल पब्लिक में ये भी बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है। और बाबा 2018 में श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो सिर्फ उस समय आधे ही होंगे अष्टदेव, तो बाकी 100 जो है वो नहीं होंगे, बाकी 100 जो है 108 में सिर्फ आधे ही होंगे श्री कृष्ण जब जन्म लेते तब। हाँ, 100 नहीं होंगे, 100 नहीं होंगे, तो इसका मतलब 2018 तक 108 माला सीख नहीं होगी क्या? माला के मन के एक साथ हो जाएंगे कि पहले ढेरियाँ बनाई जाती है, जब कोई माला बनाई जाती है तो क्या करते हैं, पहले ढेरिया तैयार करते हैं, ढेरिया तैयार हो गई फिर नंबर वार एक एक ढेरी में से लेकर के धार फिर होते चले जाते, तो नंबर वार भी कार्य होगा ऐसे थोड़े ही, जब सूर्यवंशियों की माला तैयार होगी तो उसमें चंद्रवंशी और मैत्रीवंशी तो कुछ पड़ेंगे। बाबा कोई कोई मुरली चलते समय क्लास में बहुत सारे ऐसे झटके खाते हैं, कारण क्या? जाति जाति की आत्माएं हैं, वैरायटी घर है, उसमें जाति जाति के पात्र हैं, पाठकारी तो कुमकर में पाठकारी भी तो है कि नहीं है, है? तो पिछले जन्मों में जिन्होंने कुंभकर्णों का ज्यादा संग किया है तो शूटिंग पीरियड में यहाँ झील घूमती है, कोई ऐसे कुंभकर्ण है जब याद में बैठते तभी उनको झोंका आता है, ज्ञान सुनते हैं उस समय झोंका नहीं आता, कोई ऐसे है जब ज्ञान सुनते हैं तभी उनको झोंका आता है, याद में भी छुटका खाते, कोई ऐसे याद में भी छुटका खाते हैं तो ज्ञान सुनते समय भी छुटका खाते हैं और बातें करते हैं तो छुटका भी खाते हैं। और प्रश्न है बाबा तेलंगाना में सीढ़ी नहीं मिल रही है, इसके कारण क्या? नहीं नहीं, और सारे हिंदुस्तानियों को सीढ़ी मिल रही है? नहीं बाबा, ये सारे हिंदुस्तान में जो गीता पाठशालाएं फैली हुई है उन सबको सीढ़ी मिल रही है, लेकिन नीलंगा वालों को सीढ़ी नहीं मिल रही। आपने कैसे कह दिया नीलंगा वालों को नहीं मिल रही? वो तो ले आए अभी, नहीं बाबा यहाँ जो हमको जो लिटरेचर चाहिए सीढ़ी का कॉपी चाहिए और कॉपी यहाँ से नहीं मिल रही है। अब धीरे धीरे सब कुछ हो जा रहेगा, धीरे धर्म उतना धीरे दूसरा नहीं कर पा रहा है तो खुद करना शुरू कर दो। कंपन कर घोड़े ही है कि भाई इन्हीं का ठेका है, ठेका थोड़े जो जितना करेगा तो उतना आगे। बाबा जिसने उम्र वार्तालाप में बोला है कि जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं चाहे ज्ञान के हो और कुछ भी हो, वो बच्चे सूर्यवंशी नहीं है, बच्चे सूर्यवंशी बच्चे नहीं है कैसे बार बार प्रश्न पूछने वाले और नहीं पूछने वाले सूर्यवंशी है क्या? नहीं नहीं, बात ये है ये अपने अपने संकल्पों का खून बह रहा है, जाति होती है ना तो कहते हैं ये सब सूच रहा है इसके हाथ में राज्य आ जाएगा तो बंका डाल कर देंगे, जैसे आजकल सूत्रों के हाथ में राजा ही आती जा रही है तो सरकार कैसी चल रही है? सरकार से भाजी सरकार से खा जा, तो ऐसे ये वैरायटी धार है
इसमें ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें इस्लामियों का खून है जिस ग्रुप में, वो वैसा ही पार्ट हो जाएगा। जो जिस धर्म का है वो उसी को फॉलो करेगा, दूसरे को फॉलो नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं वार्तालाप ने ऐसा बोला है, बार बार जो प्रश्न करते हैं सूर्यवंशी नहीं है बोलते, वो सूर्यवंशी अभी नहीं है तो क्या गारंटी है कि आगे नहीं बचा रहे? जो प्रश्न नहीं करते वो सारी दुनिया सूर्यवंशी नहीं थी, एक ही सूर्य था, फिर बाद में आग कहां से निकली है? वो आग सूर्यवंशी थे नहीं थे ना, तो वो आग बन सकते हैं तो एक तो आग नहीं बन सकते है? बन सकते कि नहीं? और एक तो आग बन सकते हैं तो एक तो आग के नीचे रहने वाले जो बोले जा रहे एक तो आग है वो नहीं बन सकते, वो बन सकते हैं तो 9 लाख सूर्यवंशी नहीं बनेंगे। इसलिए नंबर वन सबको सूर्यवंशी बनना ही है, लेकिन संख्या निश्चित है कितनी? 9 लाख बनेंगे सूर्यवंशी। अभी नहीं है तो उम्मीद के ऊपर दुनिया की हुई है, बाप की तो बच्चों में उम्मीद रहती है, बन जाएंगे। इसलिए क्या उनका मुंह बंद कर दिया जाए है? कोलू का बैल होता है तो उसको मुट्ठी का लगा दिया जाता है, बाप तो और उकसाते हैं, वो धर्मगुरु कभी सभा को उकसा देंगे नहीं कि बड़ी सभा में प्रश्न पूछो क्या? चाहे वो वेद की ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु हो और चाहे बाहर की दुनिया के गुरु हो, वो कतराते हैं। और बाप क्या कहते हैं? जो अंदर है वो बाहर निकालो। बाबा जो यूपी वाली थी उस समय उसको गाड़ गाड़ करके फाड़ फाड़ करके गड़वा दिया गया, तो उस समय कुछ विदेशी भी रहने की आशा थी, तो उस समय ब्रह्मा बाबा भी उसमें क्या सहयोगी थे क्या? अरे सब विधर्मियों की पालना किसने की? अब ये कुछ खत्म हो जाता है। इतने भी विधर्मी थे इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन चक्रवंशी आदि, उनकी पालना करने वाला मुखिया कौन था? समझ लेना चाहिए।
बाकी गीता प्रार्थना में लोग दूर दूर से आते हैं, हमारा परिवार है, तो परिवार वालों का फर्ज हो जाता है कि जो दूर से आते हैं उनसे खाने के लिए पूछ ले, भूखे तो नहीं हो, प्यासे तो नहीं हो, बाकी गोली वोली की कोई बात ज्ञान में नहीं। रहती नहीं है, हमारी तो ज्ञान की टोली है। तपस्या धाम सदा काल है ही है या बनना शुरू होता है? तपस्या धाम अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है। ऐसे नहीं है कि तपस्या धाम में अभी तपस्वी आत्माएं नहीं है, अभी भी तपस्वी आत्माएं वहाँ मौजूद है, कम से कम 10% तो जरूर है। देह का विनाश होगा तो पत्या धाम भी होगा, शांति धाम भी होगा, और दोनों के लिए साथ साथ खुलेंगे या अलग अलग खुलेंगे? साथ साथ लास्ट में जाकर के बनेगा ना, इसमें लास्ट में जाकर के इकट्ठा होंगे क्या? समय ताकि आपको बैगेज बैगेज तभी जाकर के समेट लो। तो बाबा अभी भी कहते हैं अपना बैग बैगेज समेट लो, टाइम न लगाओ, लंबे समय का पुरुषार्थ अल्प समय में काम आ गया। जो अमृत वेले उठकर बाद में और सूर्यास्त होने के बाद सो जाते हैं, उसके शरीर क्या है? सूर्योदय होने पर फिर सो जाते हैं, उसके लिए शरीर क्या है? उसका पांव देता है, सबको जगा देता है। बाबा वो संचर में सबको जगा देते, बाप को प्रत्यक्ष कर देते, सो जाते। बाबा 25 के पावर बन गए आत्मा कब कहेंगे? आत्मा 25 के पावर बन गई है ऐसा? पावर माना तब कहीं फर्क नहीं होगा, हरण नहीं होगी, पतित नहीं होगी। पतित माना क्या? जिसकी शक्ति क्षीर हो जाए तो तन भी पतन में नहीं डालेगा, धन भी ईश्वरीय सेवा के अलावा कहीं भी पतन में नहीं जाएगा, और मन भी व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएगा। मन चिंतन मंथन में जाएगा, या तो ईश्वरीय स्मृति में जाएगा, या तो नई दुनिया की प्लानिंग में जाएगा, या तो ईश्वरीय स्मृति में जाएगा। 9 लाख की शुरुआती जनसंख्या और जन्म लेते 16,000 लेते हैं कि नहीं? क्यों नहीं लेंगे? लेकिन बाबा बोलते हैं कि सत्यु के अंत तक 16 ही प्रिंस प्रिंस होंगे। 9 लाख सत्यु सत्यु शुरू होगा, और आबादी कितनी होगी? 9,16,108 आबादी होगी। लेकिन सत्यु में जो 16 प्रिंस प्रिंस बनते हैं ना, सत्यु में 16 जो प्रिंस प्रिंस बनते हैं उसके अलावा और दूसरे 10 भी बन के रहते हैं। लेकिन बनने वाले दूसरे वो दूसरे जो है दास दास ही बनते हैं, वो भी आज में ही है। जो श्वेता के अंत में जाके प्रिंस प्रिंस बनेंगे, साध पतलून मिलेगी, वो उससे पहले के जन्म में क्या बनेंगे?
लेकिन वो प्रिंस बनने वाले दूसरे धर्मों के ना रहने वो तो कम जन्म लेते वरना दूसरा नारायण तेरह जन्म लेगा ठीक है तो वो सौराज जन्म तो नहीं लेगा वो क्या सूर्यवंशी चंद्रवंशी है नहीं लेकिन वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है अपना तन रहते अपनी इंद्रियां रहते या तीन तीन सुख अनुभव करते हैं यह तन उनका छूट जाता है लेकिन प्रिंस प्रिंस बनते हैं अरे वो तन छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है छूट जाता है तन तो छूट जाता है माने वो 16,000 की लिस्ट में आने वाले नहीं है प्रिंस प्रिंस बनते हैं प्रिंस प्रिंस बनेंगे नाम मात्र का उनका गायन कोई नहीं 16,000 का तो गायन है आठ नारायणों का कोई गायन है ही नहीं गोपियाँ होते हैं क्या वो तो सब होते गोपियाँ कहाँ होते हैं जो जो ब्राह्मण आदि शरीर छोड़ते जा रहे हैं जैसे जगदीश भाई है जगदीश भाई ने अपना शरीर छोड़ दिया क्या अकेंद्रीय सुख उन्होंने अनुभव किया तो जिन्होंने अकेंद्रीय सुख अनुभव ही नहीं किया ब्रह्मा बाबा तो प्रवेश करके अनुभव करेंगे लास्ट में जाकर और भगवत बोल रहे हैं मुंबई में हरिद्वार में गीता पाठ चल रहा हूँ गीता पत्र छोड़नी पड़ेगी तो ये अंत की बात है ना बाबा अंत मानो तो कभी भी शुरू हो सकता है तो माया विकराल रूप धारण करे और अखबार वालों को टीवी वालों को रेडियो वालों को अपनी मुट्ठी मिले जैसे 98 और फरक्काबाद और उत्तर प्रदेश में माया ने अपनी मुट्ठी में ले लिया गीता पाठ करवा ना हाँ इसमें सारे आ गए ना जो पढ़ाई पढ़ते पढ़ने वाले हैं जैसे केंद्र चलाने वाले गीता पाठ करवाना जो बोला है तो उसमें गीता जो केंद्र है वो आते हैं कि उसमें सारे स्टूडेंट आ जाते स्टूडेंट कहाँ चले जाएंगे वो परिवार नहीं है परिवार वो परिवार नहीं है माना जो निमित्त है वही है बाप के बच्चे जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं वो बच्चे नहीं है क्या पूछ रहे अरे तो परिवार है तो परिवार है गीता पाठशाला तो गीता पाठशाला कोई सिंगल या दो आदमी से थोड़ी बन जाती अचानक छोड़ने की बात है कराची में क्या हुआ था कराची में क्या हुआ था अचानक ही हुआ था ना एक ही ट्रेन चली थी ना उसको पकड़ना था उसने पकड़ लिया बाकी जो रह गए वो रह गए नंबर वार पहुंचने की हो है नंबर वार पहुंचेंगे हाँ नंबर वार पे पहुंचेंगे एक परिवार के साथ ही है तो कैसे नंबर वार पहुंचेंगे नंबर वाले नहीं होते हैं हर परिवार में सब एक परिवार में सब सूर्यवंशी होते हैं क्या परिवार में सब ज्ञान निकल रहे तो साथ नहीं निकलेंगे ना बिल्कुल निकलेंगे जब आवाज निकल जाएगी कि भगवान आया हुआ तो परिवार के सारे ही हो गए संपत्ति है घर में उसमें क्या होगा चल और अचल संपत्ति की छोड़ छोड़ के भागे तो उसका क्या हुआ अगर पहले से नहीं समेटेंगे तो क्या होगा किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खा किनकी ले गए चोटा किनकी आग जला पहले तो बता तो दिया खाने पीने के लिए बाबा ने जो वरदान दिया हुआ है मेरी सर्विस करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते इस पर विश्वास नहीं है ना आज
नित्य बुद्धि, तो ये भी तो महाभाग है बाबा का कि मेरी ईश्वरीय सेवा में रहने वाले बच्चे भूख नहीं मरेंगे, चाहे दुनिया में अकाल पड़ता रहे, मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। भूकंप आएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिर जाएंगी, तो मकान का क्या करेंगे? अभी जब तक मिल रहा है तब तक आराम से ले लो। जब नहीं है तो त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब रोटी कपड़ा और मकान मुहैया है अपने पास, उस समय भी सारी दुनिया के लिए त्याग कर देना, ये त्याग है। हमारा अपना नहीं है, अकेले का, सबका है, सारे विश्व का है, सारा विश्व हमारे बाप का बच्चा है, हमारा भाई है। पूजन का 63 जन्म का हिसाब के साथ जोड़ा नहीं है क्या? जिनको अपना बनाया है, जिनको गले लगाया है, वो अपना हिसाब किताब लेने नहीं आए, कहाँ जा रहे हो? हमको भूल गए क्या? तो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे, अब अपना गला छुड़ाओ उससे। और बाप का जो पद क्लियर हुआ, वो ज्ञान के आधार पर क्लियर हुआ, लक्ष्मी का जो पद क्लियर हुआ हुआ वो सूर्य के आधार पर क्लियर हुआ, जगदम्बा का जो स्थिति क्लियर हुआ नहीं बाद में नंबर वन, जगदम्बा का जो स्थिति क्लियर हुआ वो हिम्मत के मंत्रे पर हुए, तो अभी ऐश्वर्य जो क्लियर हो रहे हैं उनको वो भी नष्ट हुआ है, खुशी लगता के आधार पर ऐसे क्लियर हो गई। देह अपनी देह से भी नष्ट हुआ, देह के संबंधों से भी नष्ट हुआ, देह के पदार्थों से भी नष्ट हुआ। जय विधि राघे राम, ताय विधि रहिए। पहली परीक्षा ही कौन सी है? तो मोहा है, खुशी लगता और जोर से बोलो, किसी भाई ने सुन नहीं पाया। बाबा जी आप जो विदेही है उसकी याद से युक्त हो, देहधारी और विदेही, देहधारी जो है उसके साथ हिसाब किताब बना, युक्त होने के लिए उल्टा चाहिए, कौन चाहिए? विदेही चाहिए। विदेही का मतलब, विदेही का मतलब बिंदु नहीं, देह में तो हो लेकिन देह में होते हुए भी देह के भान से परे रहने वाला हो, ऐसी की स्मृति उस देहधारी के याद को काट देगी।